she wore something which for the first time I didn't like, so I told her please change it earlier. मैंने change करके so life. Life is good now. सरगुन से तो सभी पूछ रहे हैं कि उन्होंने रवि को क्या गिफ्ट दिया है. मैं ये पूछना चाहती हूँ आपने क्या रिटर्न गिफ्ट दिया है सरगुन को. ओह या आई डिडंट नो दैट थैंक यू. नहीं वो उन जिम्मेदारियों में पड़ता नहीं. वाह मैं इन सब चीज़ों में थैंक यू. आपकी सेलिब्रेशन खत्म ही नहीं हो रही है. नहीं हो रही है. पहले भी हो ही रही थी तो कैसा लग रहा है इतना आप सेलिब्रेट कर रहे हैं अपना बर्थडे. जितना आप सेलिब्रेट करते हैं इट्स जस्ट गोज टू से दैट यू हैव अ लॉट ऑफ लव इन योर लाइफ फ्रॉम पीपल एंड आई थिंक वी आर वेरी वेरी फॉर्चुनेट कि बहुत लोगों ने बहुत प्यार दिया है और वो कोई मौका नहीं छोड़ते उसको जताने का भी. सो आई एम जस्ट वेरी वेरी फॉर्चुनेट इन दैट रिगार्ड. सो अ लॉन्ग सेलिब्रेशन बेसिकली जस्ट मीन्स दैट. सो और सबसे अच्छी बात यह है कि द होल फैमिली इज़ हियर टुगेदर बहुत सालों के बाद में. तो बहुत सारे दोस्त आने वाले हैं. विल गेट टू सी ऑल ऑफ देम. इसके साथ तो डेफिनेटली बहुत यादें हैं बिकॉज ये मेरे भाई की जगह है. सरगुन का कज़न है लेकिन मेरे भाई जैसा है. सो सो इट्स लाइक अ फैमिली प्लेस एंड 1400 स्टोरी. रवि का बर्थडे है मेरे लिए सबसे स्पेशल डे है. अब मेरे बर्थडे से भी ज़्यादा स्ट्रेस मुझे इसके बर्थडे का होता है. इट्स द मोस्ट स्ट्रेसफुल एंड द मोस्ट फन डे फॉर मी एंड द पार्टी इज जस्ट गोइंग टू स्टार्ट एंड आई होप इट रॉक्स. क्या हम इतना प्लान नहीं करते पता है. अब हम पहले बहुत प्लानिंग करते थे. अब हम प्लान नहीं करते. अब हम बस दोस्तों को बुलाते हैं और मैं अपने भाई को फोन करें हम पार्टी करें भाई सब कुछ कर दे एंड ही डज एवरीथिंग. ही डज एवरीथिंग. सो आई डोंट इवन नो व्हाट्स गोइंग टू हैपन इन द पार्टी. एवरीथिंग वी हैव नो क्लू. सो वो हमारे लिए भी गेटिंग इनटू इट. चिराग डज एवरीथिंग. अच्छा लगा गिफ्ट्स मिलना. किसे अच्छा नहीं लगता. आई लव गिफ्ट्स. आई लव गिफ्ट्स. मुझे तो ही लव गिफ्ट्स. अगर मैंने एक्चुअली दो चार डब्बे क्रिसमस ट्री के बाहर ना नीचे खाली भी रखे हुए हैं और पैक करके तो ये उन्हें भी खोलना चाहता था. पता है खाली है पर फिर भी खोल रहे हैं क्योंकि गिफ्ट खोलने अच्छे लगते हैं. आपको खुद ही सांता गिफ्ट और ये मॉम के लिए क्रिसमस डे के दिन आप 23rd 23rd आई वाज बोर्न 23rd बट आसपास. सो आई एम नॉट रियली बैड इन दैट रिगार्ड. He is Santa. My dad is also Santa. My dad is 25th of December and I'm 23rd and he's December. As close. So I was like, hey, I have two Santas in my life. So Christmas or New Year ki baat ki jaye to aur aage kya celebrate karne wale New Year ke liye? New Year we may be stepping out. Dekhte hain Sargun to shoot kar rahi hai. Ab wahi thoda wo ek conflict chal raha hai ki main ja paunga Punjab ya nahi ja paunga ya kahin aur jaunga. So all of that is going on. Let's see. Aapka 2016 year kaisa gaya? Zabardast. Bahut acha. I don't plan. I let things happen. ये गाना नहीं. ओए तेरा बर्थडे आया. ओए तेरा बर्थडे आया. I don't know. छोटी तेरा बर्थडे आया. I don't know what that is. नाच पजामा नन नन नन. ओए तेरा बर्थडे आया. अच्छा पूरा गाना मत सुनाओ बेटा फिर. साल पर साल और जवान होते जा रहे हैं और शरीफ होते जा रहे हैं. तो मैंने कहा जवानी का जवान होने का तो इशू नहीं है पर आप साल पर साल इतने शरीफ क्यों होते हैं. मैं शरीफ नहीं हूँ. किसने कहा कि मैं शरीफ. मैं जो शरीफ क्या हुआ है दुनिया पर क्या. तो देखो तुम शरीफ ही थे. दुनिया दुनिया बदमाश रह गई. अब मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि तुम शरीफ हो गए क्योंकि मैं दुनिया को बताना नहीं चाहता ना. कई कहानियाँ जो कई कहानियाँ जो सिर्फ तुम जानते हो जो सिर्फ इम्पीरियल हाइट्स में बोली जाती मैं बोली जाती है. तो भाई कुछ तुम अमूल दूध हो क्या. बिन बोले सब बोले. नहीं नहीं बट बहुत आई थिंक आई हैव नोन हिम फॉर इयर्स नाउ एंड मैं सिर्फ यही कहना चाहता हूँ दैट इट्स वेरी वेरी हार्ड टू फाइंड पीपल लाइक हिम एंड आई एम नॉट सेइंग क्योंकि ये यहाँ है. मैं अगर इसका 10% भी बन जाऊँ ना व्हेन इट्स रिलेटेड टू सरगुन
when it's related to work or it's related to other women. So I will officially be the heartthrob of the world. So I think happy birthday, have a great year. अगले साल भी हम 1400 स्टोरी में ही मिलेंगे क्योंकि अपना रेस्टोरेंट अगले साल नई जगह खुल जाएगी। नहीं नहीं, अगले साल हम नई जगह खोलेंगे लेकिन उधर हम उधर भी पार्टी करेंगे और इधर भी पार्टी करेंगे क्योंकि जब अपनी जगह हो तो भाई पार्टी करना तो बनता है और प्रमोट करना भी बनता है। अगर पार्टी करना तो बनता है तो संता कौन है? इसलिए इंडियन आइडल मैं कर रहा हूँ और ये नहीं। कोई बात है ना, जब एक्सक्लूसिविटी के 25 लाख रुपए मिलते हो एक चैनल से, और क्या बताना चाहते हो तो आदमी सोनी पे क्यों काम करेगा? नहीं, बट हैप्पी बर्थडे, एंड मैं बिना सवाल पूछे इनके फैंस को और अपने फैंस को और आप सबके फैंस को न्यू ईयर की बहुत बहुत विशेष देना चाहता हूँ। हैव अ ग्रेट न्यू ईयर गाइज, हैप्पी न्यू ईयर, प्लीज ड्रिंक but don't drive because Ravi, this is coca cola, this is no alcohol. I was just talking about drink, I'm not saying this drink. Is not alcohol, it's coca cola. Alcohol nahi hai. Are you a brand ambassador of coca cola? No. Then you should say cola. Okay, this is cola, this is cola, it's this is cola. So thank you this so much cola. Guys. This is cola. Thank you so much guys, happy birthday Ravi once again. Thank you very much and have a great year guys, happy new year. I love this guy, I really love this guy. Let's begin. मैं बहुत कंफ्यूज, हमारे सेट पे दो ही कैमरा होते, इतने बहुत दिन बाद देखे। अक्सर लोग मुझसे पूछते हैं कि अगर कोई आपका दोस्त है आप उनको क्या विश करना चाहेंगे, तो मुझे ऐसा लगता है कि थैंकफुली जितने आसपास के लोगों को मैं देखती हूँ वो ऑलरेडी इतने ब्लेस्ड हैं, उनके पास इतना कुछ है कि अगर आप ये सोच रहे हैं कि आप उनके लिए कोई ऐसी विश करेंगे, कुछ ऐसा तोहफा देने का सोचेंगे जो उनके पास नहीं है, तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। तो एक चीज़ है जो आप कितनी भी लोगों को देते रहे बट इट्स स्टिल ऑलवेज वेलकम इज गुड विशेस, हैप्पीनेस। तो उम्मीद करेंगे कि उनकी ज़िंदगी में हमेशा बहुत सारी खुशियाँ आएँ, वो हमेशा बहुत खुश रहें, वो बहुत अच्छे इंसान हैं, उनकी बीवी बहुत मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है सब। सो दे आर फैंटास्टिक कपल एंड ऑल आई कैन विश देम इज़ हैप्पीनेस। मेरा न्यू ईयर का प्लान ये है कि मैं बहुत सारा खाना खाऊं, मुझे जिम ना जाना पड़े और मेरा वज़न ना बढ़े और मैं हर रोज़ दो पेस्ट्री खा सकूं, लेकिन मेरा प्लान कभी कामयाब नहीं होता। तो इंस्टेंट मैं घर बैठ के टीवी देखूंगी और मैं पॉपकॉर्न खाऊंगी और मैं फर्स्ट की सुबह को जिम जाऊंगी। जस्ट लाइक टू विश एवरीवन अ वेरी वेरी हैप्पी न्यू ईयर, मे द न्यू ईयर बी एक्सट्रीमली हैप्पी। अगर पिछले साल कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपने चाही थी कि आप अचीव करना चाहें और नहीं कर पाए, तो आई एम होपिंग दैट दिस ईयर दे जस्ट फॉल इनटू योर लैप एंड योर लाइफ इज एक्सट्रीमली हैप्पी। थैंक यू सो मच। थैंक यू। और बीच में आ गया भाई, ये मेरे सबसे चहीते बॉय है इस इंडस्ट्री के। आई वाज जस्ट टेलिंग देम दैट यू डिजर्व ऑल द पॉजिटिविटी इन दिस वर्ल्ड बिकॉज रवि इज नॉट ओनली अ गुड एक्टर, नॉट ओनली अ टैलेंटेड गाय, बट ही इज अ ग्रेट ह्यूमन बीइंग, दैट इज व्हाट मेक्स हिम वेरी स्पेशल। थैंक यू बाबजू, एंड ही नोज दैट, एंड शी इज माय फेवरेट एंड शी नोज दैट।
दोनों ही इतने वाइब्रेंट और बबली रहते हैं, तुम मुझे सरगुन की बहुत याद दिलाते हो. एंड दैट्स व्हाट आई एम सेइंग, फॉर मी व्हाट मैटर्स इज अ मैन्स कैरेक्टर, एंड रवि इज अ परफेक्ट गाय, इज अ परफेक्ट फ्रेंड, परफेक्ट ह्यूमन बीइंग, परफेक्ट हस्बैंड, बिकॉज ही हैज अ ब्यूटीफुल माइंड एंड सोल. ही नोज हाउ मच आई लव हिम. हैप्पी बर्थडे बेबी, दिस इज फॉर यू. आई एम सॉरी आई फॉरगॉट टू राइट माय नेम. This is from my side. Thank you so much. Thank God, मैंने आपको यही दे दिया क्योंकि मैंने नाम नहीं लिखा. नहीं नहीं यार, कोई नहीं. नाम क्या है? देखा मैंने personally उनको विश कर दिया. Because they've all been asking me one by one. Can we go and party? Yeah, let's go and party. Come on, let's go. अब मैं जाऊँ birthday boy के साथ. Happiness, success, whatever he wants. Yeah. We just showered on him. New Year के लिए तो फिलहाल मेरा कोई plan नहीं है. मैं तो first का भी date दे चुकी हूँ. My scheduler told me you're the only actor जो first के date दे चुके हैं. So I think we are not shooting on first because you're the only actor. So I said okay, I am available. मेरा फिलहाल तो इतना crowded होता है, so I usually avoid going. But yeah, I'll be going for a holiday mid Jan. रेजोल्यूशन है I would say कि आप ना ज़्यादातर रेजोल्यूशन बनाते हो और फिर भूल जाते हो. By the time Feb आते हैं सबके रेजोल्यूशन हिस्ट्री हो जाता है. सो आई थिंक दिस ईयर आई मेक अ रेजोल्यूशन नॉट टू मेक एनी रेजोल्यूशन. अभी तो टाइम है थोड़ा बहुत, बट या विश एवरी वन अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर. Very happy new year and merry christmas. Thank you sir. Please. Acha रवि मैं तुम्हें विश कर रहा हूँ. आई लव यू, हैप्पी बर्थडे, बी हैप्पी और तुम हमेशा खुश रहो, हमेशा लोगों को एंटरटेन करते रहो और हम लोग ऐसी पार्टी करते हैं. मेरे पति देव मुझे बॉम्बे की इस भीड़ भड़ाकी की दुनिया से बहुत दूर लेकर जा रहे हैं. एंड मैं बहुत ज़्यादा नहीं, आधा घंटा है. लेकर जा रहे हो? लेकर जा रहे हैं. Thank you.
और मेरी तरफ से आप सभी को वेरी वेरी हैप्पी न्यू ईयर. मे द ईयर बी अ स्प्लेंडेड वन फॉर यू एंड मे यू हैव एन अमेजिंग 2017. थैंक यू गाइस. रवि के लिए तो क्या ही कहना, हमारे टेलीविजन के तो जमाई बाबू वो हैं ही, जमाई राजा हैं, और हम सब दोस्तों के लिए भी वो एक जमाई से कम नहीं है, क्योंकि हम सबको कहीं ना कहीं रवि से बहुत लगाव है और हम रवि को उतना ही प्यार करते हैं जैसे वो हमारा फैमिली मेम्बर हो. और रवि मेरा नेबर भी है, तो घर की मैं कह रहा था कि रोज़ाना चीज़ें रवि के घर से कई बार आती हैं. और रवि, आई विश यू द बेस्ट, आई होप एंड प्रे दैट यू गेट एवरीथिंग यू डिज़ायर ब्रदर. मैं कोई गिफ्ट नहीं देता, मैं ऐसा मानता हूँ कि मैं खुद गिफ्ट हूँ, तो रवि मेरे साथ जो चाहे आज कर सकता है. रवि तू आज मुझे पप्पी भी दे सकता है बस. So, न्यू ईयर आ रहा है, क्या प्लान है आपके? Well, न्यू ईयर में मैं कंट्री में नहीं हूँ, मैं कुछ दोस्तों के साथ बाहर जा रहा हूँ. वेल, आप सभी को मेरी तरफ से विश यू अ वेरी वेरी हैप्पी न्यू ईयर. नई नई रेजोल्यूशन बनाइए, और जो पुरानी बनाई है या तो कम्प्लीट हो गई है तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं हुई है तो उन पर डटे रहिए. मेरा इस बार रेजोल्यूशन है कि ये आने वाले साल में मैं कुछ ना कुछ रीड करने की कोशिश करता रहूँगा, क्योंकि मैं रीडिंग में बहुत बुरा हूँ. मैं बुक्स किताबें ज़्यादा रीड नहीं कर पाता, मैं सो जाता हूँ पढ़ते पढ़ते. तो इस साल मैंने डिसाइड किया कि एटलीस्ट 2017 में मैं 5 बुक्स नहीं पढ़ूँगा. थैंक यू. Amazing, I have traveled a lot. मैंने बहुत अच्छा अच्छा काम किया. So it was really, really good. और आने वाले साल के लिए कुछ plans, resolutions?
नॉट रियली, मैं रेजोल्यूशन नहीं लेती हूँ बिकॉज पूरे नहीं होते हैं मुझसे. सो या बट आई एम विशिंग ऑल ऑफ यू वेरी हैप्पी न्यू ईयर एंड हैप्पी बर्थडे रवि. सबसे बड़ा तो वही होता है, एक हग होता है, हग के साथ विश करेंगे और ढेरों शुभकामनाएं, ढेरों सारी बधाइयां रवि को. अच्छा कलाकार तो है ही, हम सबको पता है, बहुत अच्छा इंसान भी है, बहुत सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत तगड़ा है. तो उनका सेंस ऑफ ह्यूमर और आगे बढ़ता जाए और वो प्रगति की राह पर ऐसे ही आगे बढ़ते जाएँ, बस ऐसी शुभकामनाएं, ऐसी अभिलाषा है. गिफ्ट तो हमारा होता नहीं है, हम आते हैं, मस्ती मजाक करते हैं, बहुत सारे दिल से बधाई देते हैं. रिजोल्यूशन तो मैं हालांकि मेरे कभी निभा नहीं पाता हूँ मैं, लेकिन फिर भी सेट तो कर लेता हूँ, फॉर्मेलिटी होती है. आई ट्राई टू बी मोर पंचुअल, समय का थोड़ा सा मैं ध्यान रखूँगा, मैं समय से थोड़ा आगे पीछे चलता है मेरा, तो समय पर चलूँगा, मैं कोशिश करूँगा चलने की. न्यू ईयर के मेरे कोई प्लान्स नहीं है, बहुत काम कर रहा हूँ, तो न्यू ईयर में मुझे थकना नहीं है, मुझे आराम करना है ताकि मैं नए साल में फुल एनर्जी के साथ वापस से उसी ऊर्जा के साथ, उसी एनर्जी के साथ काम करना स्टार्ट करूँ. तो शायद मेरे ख्याल से 2 दिन की छुट्टी मिलने वाली है, आराम, घर पर ही हूँ, कहीं नहीं जा रहा हूँ, मैं अपने पिताजी के साथ हूँ. बस नए साल की बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं, जैसा आपका जो ये साल गया 2016 उससे बेहतर निकले 2017. अच्छा खाना खाएं, फिट रहें, तंदुरुस्त रहें और खुशियां बांटते रहें. थैंक यू सो मच. हम लोग को जनरली इनकी पार्टी से डर लगने लगे हैं, रवि और सरगुन की पार्टी होती है ना, बहुत डर लगने लगा बिकॉज ये पार्टी ना तो 5-6 बजे पहले खत्म होगी और उसके बाद लास्ट सरगुन की पार्टी भी यहीं पे हुई थी जब बिरयानी और केक से होली खेली गई थी यहाँ पे. सो बाई दी एंड ऑफ द डे यहाँ भी कम शोर कुछ ऐसा होएगा, बट लाइक शी सेड रवि इज़ वेरी गुड एट, उसको देख के ही स्माइल आ जाती है चेहरे बिकॉज ही ऑलवेज स्माइलिंग. सो आई विश वो हमेशा ऐसे ही रहे, हमेशा हंसता रहे, खेलता रहे. नहीं, आई हैव अ ग्रेट ग्रेट ईयर अहेड एंड बहुत सारी शुभकामनाएं. बर्थडे की शादी हुई है कोई प्लान नहीं किया बिकॉज लाइक आई वाज सेइंग अर्लियर कि दिसंबर फॉर अस दिस ईयर वाज ऑल अबाउट आवर वेडिंग. सो वी वर बिजी प्लानिंग आवर वेडिंग, सो वी डिडंट केयर कि क्रिसमस का क्या है और न्यू ईयर का क्या है. अब जब हम फ्री हो गए हैं तो हमें समझ में आया कि ओ शिट, हमारे कोई प्लान ही नहीं. सो वी आर जस्ट लुकिंग फॉर फ्रेंड्स हु आर इन टाउन इन बॉम्बे, सो वी विल प्लान विद देम एंड वी विल डू. हर बार हम लोग ये क्या करती थी, मतलब बाय ऑगस्ट हम लोग का न्यू ईयर प्लान हो जाता था, जुलाई ऑगस्ट तक टिकट्स बुक हो जाते थे, होटल्स बुक हो जाते थे. इस बार सब सिर्फ वेडिंग की बुकिंग्स हो रही थी और कुछ नहीं किया हम लोगों ने. सो यू नो बट होपफुली बाय द टाइम वी विल वर्क आउट फॉर न्यू ईयर प्लान, व्हिच आई एम गेसिंग लेट्स सी यहां पे कौन कहां पे क्या करता है.
wish everybody a very, very happy new year. Be safe and live happily. Smile always. Just smile. Just be happy. That's all I want. I think that's all I want. No, and otherwise also this world needs peace right now. So yes. If you guys can, you know, spread love as much as, you know, you guys can spread love with that. Thank you so much. Dada, Yeah, we want to wish him all the happiness in the world. You know, हम काफी close हैं, काफी party करते हैं साथ में, तो he's a very genuine human being, तो we wish him all the best. The absolute same thing. A very happy birthday and we wish him all the happiness in the world. हम Amsterdam जा रहे हैं. हम जा रहे हैं परसों Amsterdam जा रहे हैं, उसके बाद Berlin जाएंगे वहाँ से. So 5 days in Amsterdam and Berlin. जैसे आप लोगों के लिए 2016 कैसा रहा? बहुत अच्छा. How was 2016? Very nice actually. Very happy with it. आप अपने फैंस को New Year और Christmas की wishes first. Wish you all a Merry Christmas and a Happy New Year. Very Happy New Year. Loads of love and thank you for all the love and loving. Thank you. Sorry? Wish is for Ravi. What do you wish? Yeah, but I already wished him. Okay, happy birthday, Ravi. Ravi. And for all his fans. He's got a lot of fans. Some of his fans follow me on Twitter. They're very nice to me. Thank you. Thank you. Yeah, I think it's 2022 today. And I'm really happy.
हजारों साल साल के दिन हो 50,000, सो दैट्स माय विश फॉर रवि. एंड ही इज एजिंग बैकवर्ड्स आई थिंक, सो दैट्स वेरी गुड अबाउट हिम, इज लुकिंग यंगर एंड बेटर एंड हैंडसम. I hate Ravi, he's annoying. But nonetheless, I'm just kidding. He's my friend and kafi, what do you call that, shiddaton ke baad mein, pata nahi kya bolte hain, after a lot of rocky patches and situations, we became friends, so I will cherish my friendship with him forever. So New Year aa raha hai, kya resolution hum set kar rahe hain? I'm just going to stay home with my family because my brother is back from a long trip. So I guess, yeah, that's it. So, I'm wishing everybody a Merry Christmas and a very, very happy and prosperous New Year. पिछले साल से बेहतर हो और उसके बाद आने वाले साल से थोड़ा सा कम बेहतर हो. थैंक यू. रवि के बारे में क्या कहें, आई थिंक वन ऑफ द मोस्ट नाइसेस्ट पीपल एंड जैसा है बिल्कुल वैसा ही रहे, बिकॉज बहुत ही करीबी दोस्त हैं एंड उससे बेहतर इंसान है. Yeah, I started with New York first, then we have London, then Africa, Australia, now Amsterdam. Indonesia. Indonesia, haan. So I think, yeah. But isi mein maza hai na, life is short, so just see as much as you can, do as much as you can. Dheere dheere karein, ek saath nahi karein, but dheere dheere karein. Wish everybody a very happy New Year and be safe, be good and jitna ho sake utna pyar phailaiye. यार मेरे से ना प्रेजेंट पाले नहीं जाते इसलिए मैं लेना छोड़ दिया यार. थैंक यू.
इसलिए कम बोला कि कम ही बोल यार बहुत स्पेशल है ऑफ कोर्स जो क्लोज फ्रेंड्स में से एक है रवि और इतना क्लोज है कि उसके आज बर्थडे पार्टी थी और मैं थी अभी थी के घर में और सो गई हाँ मैं वही बोल रही हूँ कि मैं शूट कर रही थी तो मैं घर पहुँची और मैंने सोचा चलो 10 मिनट सोचा कि थोड़ी फ्रेश दिखूंगी और मैं इतना सोई हूँ 12 बजे तक मैं सो गई मैं एक्चुअली मैंने आशा को शाम को पूछा कि कब जा रहे हो तो हाँ मैं अभी निकल चुकी हूँ थाने से तो हम थाने से ना मीरा रोड से मैं निकल चुकी हूँ तो हम लोग जाएंगे मतलब हाँ ठीक है मैं लेट हो गया मैंने ऐसे कॉल किया ये पूछने के लिए कि ये जगह बंद तो नहीं हो गई है तो बोलती मैं तो अभी उठी हूँ तो इसको मैं लेके आया अभी एंड अभी रवि को जाके विश करेंगे होपफुली हमें गालियाँ नहीं दे रहा होगा कि अभी तक आया क्यों नहीं Merry Christmas, Happy New Year to everybody. Yeah, and a very, very Merry Christmas to you, both. Okay, Merry. It can be Merry Merry Christmas. Okay, lastly, Ravi, and Ravi, Happy Birthday to you. Dubeji, Happy Birthday. Thank you.